हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल भगवती क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में इस तरीके के पैच बनाना सीखेंगे जो कि रेडीमेड पैचेस जैसे ही हैं बिल्कुल। चलिए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके के पैचेस बनाने के लिए पहले हमें इस तरीके के स्टोन लेने होंगे और कुछ इस तरीके के स्टोन्स, साथ ही साथ हमें ये बॉल चैन भी लेनी होगी जो कि बिल्कुल छोटे साइज की है, और हमें जर्कन चैन की भी जरूरत पड़ेगी। और पैच बनाने के लिए हमें ग्लू लेना होगा। आप चाहें तो कोई और सा भी ग्लू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक ग्लू लिया है। और पैच को बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये बुकरम की भी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे ये बुकरम का पीस लेंगे। इस पे हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। अब हम यहां पे स्टोन लगाएंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा जिससे अच्छे से चिपक जाए। अब इस स्टोन के चारों तरफ हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। अब हम यहां पे बॉल चैन चिपकाएंगे। बॉल चैन को चिपकाने के बाद अब हम यहां पे स्टोन लगाएंगे। जो हमने लीफ स्टाइल वाले जो स्टोन लिए थे अब हम उनको लगाएंगे। हमें इस पैच में तीन स्टोन लगाने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं लगाने हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगा लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे जर्कन चैन लगाऊंगी चारों तरफ इसके, जितनी भी ये जगह है। इसको अच्छे से सेट कर लें। ये अभी यहाँ पे ग्लू लग रहा है तो इसमें व्हाइटनेस थोड़ी आपको ज्यादा दिखेगी। एग्जैक्ट जो डिजाइन है वो क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। आप इसके सूखने का वेट करें अच्छे से। इसको गीला काटे ना, नहीं तो ये सारी जो जकन चैन है ये सब निकल जाएंगी। मैंने यहाँ पे ये बुकरम का पीस छोटा कर लिया है क्योंकि वो मैंने बड़ा पीस लिया था बुकरम का। अब मैं इसको ट्रिम कर दूंगी। ये अच्छे से सूख गया है तभी मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ, नहीं तो ये जर्कन चैन जो है ये सारी निकल जाती और जो शेप होती है ना वो प्रॉपर नहीं आ पाती। मैंने यहाँ पे इस पैच को अच्छे से ट्रिम कर दिया है। इसमें जो एक्स्ट्रा बुकरम थी वो मैंने इसको काट दी है। आप इसी तरीके के पैचेस बहुत आसानी से अपने घर पे बना सकती हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें।